जाने माने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और जानी मानी अभिनेत्री आलिया भट्ट बॉलीवुड के फेमस कपल्स में से एक है और आज ये कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। जी हाँ, बैसाखी के दिन इन दोनों ने 7 जन्मों के बंधन में बंधने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है कि अब ये दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। कपूर और भट्ट परिवार के कुछ करीबी सदस्यों की मौजूदगी में इन दोनों की शादी हुई। साथ ही अंबानी परिवार के कई सदस्य भी शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इसी बीच हम आपको उनकी शादी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। खबरों की माने तो इनके रिसेप्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक करीबी सूत्र ने इस बात को कंफर्म करते हुए बताया है कि रणबीर और आलिया की शादी हो गई है, लेकिन ये दोनों रिसेप्शन नहीं करेंगे। वहीं साथ ही ये भी बताते चले कि करण जौहर, जो कि बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार हैं, उन्होंने भी इनकी शादी में खास मौजूदगी दर्ज कराई। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो आलिया भट्ट को अपनी बेटी मानते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के समय से ही आलिया का उनसे काफी क्लोज रिलेशन बन गया था और आलिया को बेहद इम्पोर्टेंस देते हैं करण। यही वजह है कि शादी में स्पेशल गेस्ट की भूमिका में पहुंचे हैं। और करण के अलावा रणबीर कपूर की कजन सिस्टर्स करिश्मा, करीना और साथ ही रणधीर कपूर, बबीता कपूर जैसे कपूर परिवार के जाने माने दिग्गज इस शादी में शामिल हुए। बॉलीवुड जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।